Bye. एवरी वन गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू द चैनल तो ये वीडियो है कल की मतलब पाँच मार्च की क्योंकि आज सैटरडे था ना तो सिद्धार्थ का स्कूल नहीं था इसीलिए सुबह वो टिफिन बनाना उसको स्कूल छोड़ के आना वो सब तो नहीं था बट हाँ हस्बैंड का आज ऑफिस था इस सैटरडे उनकी छुट्टी नहीं थी तो ऑफ़िस जा चुके हैं वो लंच वगैरह सब कुछ जो है वो मैंने बना के दे दिया है और अभी मैं एकदम फुल फ्लेज क्लिनिंग में लग गई हूँ और ये जो हमारा डाइनिंग टेबल है ना ये बहुत ज़्यादा वैसे हो जाता है क्योंकि एक गेट के पास है ना जैसे आप देख सकते हो मेरा पर्स रखा हुआ है वहाँ पे सिद्धार्थ ने आकर के जब वो खेल करके आता है ना तो यहाँ पे वो अपने मास्क वगैरह रख देगा कभी सैनिटाइज़र रख देगा तो हाथ ना उसी चीज पे जाता है जो गेट के एकदम पास होती है ना आप वहीं पर चीज़ें रखते हो तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी इकट्ठी हो रखी हैं और दूसरा मैंने सिद्धार्थ की सारी बुक्स यहाँ पर फैलाई थी ये चेकआउट करने के लिए कि कौन सी एकदम भर गई हैं कॉपीज़ और कौन सी बुक्स ऐसी हैं जिनका अब काम नहीं है जो तो अभी उसकी फोर्थ क्लास की है ना वो क्योंकि अब फिफ्थ में चला जाएगा न्यू बुक्स आएंगी लेकिन अभी बीस से पच्चीस दिन का गैप है न्यू सेशन स्टार्ट होने में तो इतने टाइम के लिए मैं उसको एकदम खाली नहीं छोड़ सकती कि बिल्कुल पढ़ाऊँ ही ना तो इसीलिए मैंने सारी बुक्स छाट करके रखी हैं जो बुक्स मुझे लग रहा है कि जिनमें अभी स्कोप है बिकॉज़ सारा जितने भी चैप्टर्स होते हैं वो सारे कवर नहीं हो पाते हैं कुछ कुछ चीज़ें बच जाती हैं या जो चैप्टर्स भी कवर होते हैं ना उनके अंदर भी होता है एक्सरसाइज होती हैं तो कुछ करवाई होती हैं कुछ छूट जाती है हैं तो वो सारी चीज़ें मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ खैर जो मार्च का गैप पड़ता है ना अगर बच्चों को बिल्कुल ही छोड़ दो आप कुछ नहीं उनको पढ़ाई लिखाई करवाओ तो वो भूल जाते हैं तो इसीलिए जो थोड़ा थोड़ा रिविज़न टाइप का है प्रीवियस क्लास का ही जिस क्लास की बुक्स हैं आपके पास वो थोड़ा थोड़ा करवाते रहना चाहिए ताकि उनके दिमाग में रहे ज्यादा नहीं लेकिन एक से डेढ़ घंटा एटलीस्ट बच्चे को एक दिन में बैठने की आदत होनी चाहिए कि वो सीधा डेडिकेटली वो आर्ट्स जो है वो पढ़ाई को दे सके तो इसीलिए मैंने सारी उसकी बुक्स दोनों सेपरेट कर दी हैं जो अब एकदम डिस्कार्ड करनी है वो अलग कर दी हैं और जिनमें मुझे अभी वर्क करवाना है वो मैंने अलग कर दिया तो उसी मैंने डाइनिंग टेबल पर पूरा अच्छे से फैला के सारा चेक कर लिया था और जस्ट अभी डस्टिंग करेंगे और यहाँ के कर्टन्स वगैरह मैं हटा देती हूँ तो यहाँ पे डस्टिंग थोड़ा अच्छे से हो पाती है बस ये सारा डस्टिंग कर लेंगे और पूनम भी आ ही जाती है जल्दी दस सवा दस साढ़े दस तक मैक्स टू मैक्स वो आजकल आ जाती है तो बस उसके बाद फिर घर की क्लीनिंग हो जाएगी और सुबह सुबह ही सारा घर का काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा आज मैंने सोचा थोड़ा सा जो डाइनिंग टेबल है उसको भी खिसका करके अपनी जगह से सारी क्लीनिंग अच्छे से कराई जाए तो डाइनिंग टेबल भी मैंने हटा दिया था देन फिर जब क्लीनिंग होने लग गई थी तो मैंने जो साइड में ये बुक शेल्फ है ना इसको भी हटा दिया था और अच्छे से उसके जो पीछे वॉल्स हैं और वहाँ डस्ट सारी इकट्ठी हो जाती है वो सब भी क्लीन करवा दी थी कुछ बहुत मैंने कपड़े आपको दिखाए थे ना कि मैंने निकाल के रखे हैं तो वो सारे अब मैं यहाँ डाइनिंग टेबल पे रख रही हूँ क्योंकि एक बच्ची है जिसको मैंने बुलाया हुआ है तो उसको जितने टॉप्स वगैरह हैं मेरे जो अच्छी कंडीशन में है मैं उसको दे दूंगी बाकी हस्बैंड के कपड़े हैं स्वेटर्स हैं कुछ आ, वो सारी चीज़ें हैं वो हस्बैंड ने किसी को देने का प्लान किया हुआ है तो वो वहाँ निपटा देंगे तो मैंने सारा आज रख लिया काफ़ी दिन से मैं उनसे बोल रही हूँ कि ये आप जहाँ देना चाहते हो दे दो नहीं तो मुझे देने दो बट क्या होता है ना ऑफिस जाने टाइम हड़बड़ी में भूल जाते हैं लेकर जाना साथ में तो अभी देखते हैं क्या करेंगे इसीलिए मैंने आज डाइनिंग टेबल पे ही रख दिए हैं हालांकि मैं इनको बाद में ना चेयर पे रखूँगी ऐसे टेबल पे करके नहीं रखूँगी चेयर पे रखूँगी ताकि जाते समय उनको ध्यान हो और वो यहाँ से कल लेकर जाएँ तो यही सारा मैं सेटराइट अभी करके रख रही हूँ सारा क्लीन हो गया है सारा काम हो चुका है पूनम भी जा चुकी है मैंने नहा लिया है उसके बाद में आपने देखा होगा सुबह मैंने एक बकेट भर करके ग्रॉसरी उठाई थी डाइनिंग टेबल के पास से तो वो मैं अभी फिल करके रख रही हूँ जो मुझे ऐसे पैकेट रखने हैं वो ऐसे ही मैं स्टोर कर दूँगी बाकी जो जिनके डब्बे हैं जो मैं फ़िल करके रखती हूँ वो भी मैं स्टोर करके रख दूँगी सारे सीड्स हैं ये हम अक्सर स्नैक्स में खाते हैं जब हम मखाने या पीनट वगैरह करते हैं तो उनके साथ में सीड्स भी करते हैं और ये सीड़ का एक बहुत अच्छा सा हस्बैंड मेरे बनाते हैं पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाल करके वो वही बनाते हैं मैं किसी दिन पक्का शेयर करूँगी बहुत हेल्दी होता है इवन सिद्धार्थ भी बहुत मज़े से खा लेता है तो ये तीन तरह के सीड हैं सनफ्लावर सीड हैं मेलन है और पम्पकिन सीड्स हैं तो ये तीनों ज़्यादा पसंद किए जाते हैं बाकी और भी बहुत तरीके के सीड्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं और इनकी बहुत अच्छी चटपटी सी एक नमकीन सी बनाते हैं हस्बैंड मैं ज़रूर ज़रूर आप लोगों के साथ आगे आने वाले समय में जब भी वो बनाते हैं तो शेयर ज़रूर करूँगी और बस ये सारा काम मैंने निपटा दिया है अभी इस टाइम ना थोड़ा शाम का समय हो रहा है आ, शायद पौने चार साढ़े तीन या फिर चार ऐसे कुछ बच रहा होगा तो अभी सिद्धार्थ को मैंने बिठाया पढ़ने के लिए साथ में मैं यहाँ पे डिनर की तैयारी कर रही हूँ तो थोड़ी बहुत जो भी मुझे कटिंग चॉपिंग करनी है वो मैं यहाँ पर बैठ के करती रहूँगी साथ ही अगर सिद्ध की कोई क्वेरी होती है तो वो भी मैं यहीं बैठे बैठे सॉल्व करती रहूँगी तो ऐसे ही कुछ इसकी पढ़ाई चलती है आजकल तो वही सारी चीज़ें जो पहले उसके कोर्स में थी सारा मैंने उसको टिक मार्क करके पहले ही दे दिया है तीन चार बुक्स में मैंने टिक मार्क कर दिया है ऐसा करने से क्या होता है ना बच्चे नहीं तो क्या होता है देखो अगर आप एक काम उसको दोगे मान लो मैथ्स का दे दिया तो वो फटाफट निपटा के फिर आपके पीछे मा माँग क्या फिर आप काम में फंसे रहते हो तो आप भी इरीटेट हो जाते हो तो इसीलिए मैंने यही कर रखा है कि एक ही बार मैं सारी बुक्स में सारा काम दस मिनट पंद्रह मिनट जो भी है बैठ कर के उसको दे देती हूँ ताकि जब मैं अपना काम कर रही हूँ तो वो भी अपना काम पूरा टाइम उस समय कर रहा हो और वो मुझे परेशान ना करे मुझे भी इरीटेशन ना हो और उसको भी सारा काम पता रहे तो मैंने सारी बुक्स में मैथ्स का दिया है उसको इंग्लिश का दिया है उसको टेबल्स रिवाइज़ करने दिए हैं कुछ आ, सम्स जो हैं वो सॉल्व करने के लिए दिए हैं तो वो सारे मैंने एक ही बार उसको दे दिए हैं तो आराम से बैठ के कर रहा है इधर मैं आराम से कर रही हूँ अगर कुछ उसको दिक्कत हो रही है इन बिटवीन तो वो मैं उसका सॉल्व करते जा रही हूँ आप लोग सोच रहे होंगे इतने सारे मैंने अंगूर क्यों काटे हैं उनको इतना छोटा छोटा चॉप क्यों किया है तो आगे मैं उसकी एक रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीन वाइल अभी चाय पी लेते हैं चार सवा चार हो रहा है तो मैंने चाय चढ़ा दी अपने लिए दूसरी तरफ ये चने की दाल है जो मैंने आई थिंक तीन घंटे पहले भिगो करके रखी थी हाँ ढाई तीन घंटे मैंने इनको भिगोया है तो ये भी मैंने लगे हाथ चढ़ा दिया क्योंकि खुला पका रही हूँ थोड़ा सा समय लगेगा इसमें आप में से कई लोगों ने पूछा था कि जब भी आप इस तरीके से खुले पतीले में दाल पकाते हो तो कितना समय लगता है तो देखिए कुकर में लगता है 12, 13, 14 मिनट ऐसे दाल बन जाती है लेकिन इसके अंदर आपको 40, 45 मिनट आराम से लग जाता है अरहर की दाल है जल्दी पकने वाली तो 35 फाइव टू फोर्टी मिनट लग जाता है चने की मैंने बनाई जब आप आज दाल क्योंकि चने की दाल जो है ना उसको पकने में बहुत समय लगता है कुकर में भी तो मुझे इसमें पूरा एक घंटा पूरा वन आवर लग गया था लेकिन पूरा टाइम मैंने तेज आंच नहीं रखा है एक उबाल आ गया था एक उबाल आने के बाद मैंने बिल्कुल सिम पे बिल्कुल धीमा करके इसको एक घंटे तक पकाया और एकदम परफेक्ट दाल बन के तैयार हो गई थी इतनी देर में तो एक तरफ हमारी दाल बन रही है ये तो बनती ही रहेगी आराम से इसको हमने चढ़ाया हुआ है दूसरी तरफ और चीज़ों की मैं तैयारी कर रही हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे तैयार करने जा रही हूँ दो ऐसे मसाले जो समर्स में बहुत ज़रूरत होती है मसाले नहीं कहूँगी मैं दो पाउडर एक जीरा पाउडर भुना हुआ जीरा पाउडर एक धनिया पाउडर दो इन चीज़ों की समर्स में बहुत ज़रूरत होती है तो जब भी आप अपने किचन को समर्स के लिए रेडी करते हैं तो ये दो चीज़ ज़रूर पीसें क्योंकि गर्मियों में हम ढेर सारा दही खाते हैं छाछ बनाते हैं रायता बनाते हैं तो उसके लिए भुना हुआ जीरा बहुत ज़रूरी होता है डाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है सर्दियों में तो जब मुझे ज़रूरत लगती थी मैं थोड़ा सा भून करके कूट लेती थी लेकिन अभी बहुत फ्रीक्वेंट ज़रूरत लगेगी और जो रेसिपी मैं आगे शेयर करने वाली हूँ उसमें भी ज़रूरत है इसकी तो बस इसीलिए मैं इसको अच्छे से भून करके स्टोर करके रख रही हूँ कि पंद्रह बीस दिन ये आराम से चल जाए इससे ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए पंद्रह बीस दिन से ज़्यादा बिकॉज़ क्या होता है इनका जो फ्लेवर होता है ना उनकी खुशबू जो होती है वो कही कहीं ना कहीं ख़राब होने लगती है कितना भी आप एयरटाइट कंटेनर में करके रखो बट उसमें खुशबू और स्वाद में ज़रूर फ़र्क आ जाता है तो अच्छे से रोस्ट कर लेना है जब तक ये आपने सुनी होगी तड़कने चटकने की आवाज़ ना आने लगे दैन इसको ठंडा होने के लिए एक खुली प्लेट में रख दीजिए और उसके बाद इसको पीस लीजिए तो बहुत से लोग जो है सिर्फ जीरा पाउडर का प्रयोग करते हैं किसी भी चाट में या दही में छाछ में लेकिन हमने शुरू से ना जीरा के साथ धनिया पाउडर भुना हुआ अच्छे से तेज भुना हुआ धनिया पाउडर भी खाया है और हमें इसका फ़्लेवर चाट में बहुत अच्छा लगता है तो मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं धनिया और जीरा दोनों का इस्तेमाल करती हूँ अभी देखिए लगभग 40-50 मिनट में ये जो है एकदम सॉफ्ट हो गई थी दाल मतलब पक गई थी कच्चापन बिल्कुल भी नहीं था दाल के ग्रेन के अंदर में लेकिन जो कहते हैं ना दाल अच्छे से पानी के साथ मिल जाए गल जाए वैसा आने के लिए दस मिनट मुझे इसको और पकाना पड़ा था तो फिर ढक के मैंने इसको छोड़ दिया है दस मिनट के लिए चलिए अब स्टार्ट करते हैं अंगूर की चटनी से तो जो मैंने अंगूर काटे थे आज मैं उसकी चटनी बनाने वाली हूँ तो यहाँ पे मैंने लगभग थ्री फोर्थ कप के आसपास लिया है गुड़ तो आपके पास वो जो पूरा खड़ा खड़ा सा गुड़ आता है वो हो वो भी इस्तेमाल कर लीजिए मेरे पास पाउडर था तो मैंने पाउडर ले लिया है इसमें एक टेबल स्पून से थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा ये मैंने चीनी ऐड किया है तो आप चाहें तो चीनी बिल्कुल स्किप कर सकते हैं सिर्फ गुड़ से बना सकते हैं सिर्फ चीनी से भी बना सकते हैं लेकिन मैंने थोड़ा सा चीनी डाला है चीनी का एक अलग सा फ्लेवर आता है वो चटनी में काफ़ी अच्छा लगता है और फिर ज़्यादा मैंने यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल किया है थोड़ा सा पानी डाल दिया इसमें बस दो तीन चम्मच पानी आप डाल दीजिए अच्छे से उबाला लगा दीजिए हल्का सा जब ये गुड़ की जो चाशनी गाढ़ापन पकड़ने लगेगी कुछ ऐसी हो जाएगी तब हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे ग्रेप्स जो हमने कट करके रखे हैं यहाँ पे हमने दो तरीके से अंगूर काटे हैं एक तो हमने पूरे खड़े खड़े रहने दिए हैं उनको सिर्फ ऊपर से जो उनका काला काला हिस्सा होता है वो हटाया है और दूसरा बिल्कुल छोटे छोटे हमने इस तरीके से कट किए हैं आप चाहें तो उनको ज़रा सा चॉप कर लीजिए चॉपर में डाल करके दो तरह से अंगूर कट करने का अलग अलग पर्पस है दोनों का अपना अपना पर्पस है जो बड़े बड़े अंगूर हमने कट किए हैं ये टेक्स्चर देते हैं और जो छोटे अंगूर हमने कट किए हैं वो चटनी को बेस देता है उसके बेस को अच्छा सा फ्लेवर देता है एक थिकनेस देता है और बड़े अंगूर जब रहते हैं ना तो वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और लगता है हाँ अंगूर की चटनी है पता चलता है तो इसीलिए हमने दो अलग तरीके से यहाँ पर अंगूर कट किए हैं थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पानी मिलाया नहीं तो बहुत ज़्यादा चाशनी जो है वो गाढ़ी हो जाती साथ ही मैंने यहाँ पे सफ़ेद नमक थोड़ा सा ऐड कर दिया बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करेंगे क्योंकि आगे जा करके हमें इसके अंदर काला नमक वगैरह भी ऐड करना है तो उसी हिसाब से आप ऐड कीजिएगा अंगूर को ढक कर के एक से डेढ़ मिनट मैंने पका लिया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका पानी भी जो है वो रिलीज हो गया है अभी मैं इसको ढक करके एक से डेढ़ मिनट और छोड़ दूँगी मीन वाइल मैं धनिया और जीरा एकदम ठंडे हो चुके हैं तो उनको पीस करके तैयार कर लूँगी क्योंकि वो भी हमें अभी इसके अंदर ऐड करने हैं तो बढ़िया से मिक्सी को सुखा लिया है ज़रा सा जो भी उसमें पानी था वो हटा दिया है बिकॉज़ अगर ज़रा सा भी कहीं पानी रह जाएगा तो फिर ये मसालों का ख़राब होने का डर रहता है यहाँ पे देखिए ये मैंने सबसे पहले धनिया पीसा है कुछ इस तरीके से मोटा हल्का दरदरा सा होना चाहिए बिल्कुल एकदम महीन पाउडर नहीं कर देना है और जीरा आप थोड़ा महीन कर सकते हो वो चलेगा और बस दोनों को पीस करके मैं भर करके रख दूंगी भुना हुआ धनिया और जीरा बिल्कुल तैयार है तो यहाँ पे देखिए एकदम पता चल रहा है कि अच्छे से पक चुके हैं तो अभी इस स्टेज पे हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे सबसे पहले एक चम्मच मैंने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है एक छोटा चम्मच हमने इसके अंदर धनिया का पाउडर ऐड किया है एक छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम हमने इसके अंदर जीरा का पाउडर जो धनिया जीरा अभी हमने भून करके पीसा है ये वही है इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे काला नमक काला नमक बिल्कुल मस्ट है वो डालना ही डालना है उसके बिना अच्छा सा फ्लेवर इसमें नहीं आएगा उसके बाद ये देखिए हमें दो से ढाई मिनट इसको पकाना है आप यहाँ पे टेस्चर देख सकते हैं चटनी का कैसा हो गया है इस स्टेज पे आप इसमें किसी भी तरह का सीड यूज़ कर सकते हैं लाइक सनफ्लावर सीड है वो डाल दीजिए मेलन सीड है वो डाल दीजिए या जो खरबूजे का बीज होता है ना वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं आ, और या फिर आप काजू वगैरह भी एकदम छोटा छोटा कट करके काजू भी इसमें ऐड कर सकते हैं देखने में भी अच्छा लगता है और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है काजू से ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है बिकॉज उसका अपना एक अलग सा फ्लेवर होता है जो कि चटनी वगैरह में काफ़ी अच्छा लगता है तो चाहे तो वो भी डाल दें या फिर इस तरीके से बस सीड्स डाल दें इसके अंदर और बस यहाँ पे देखिए हमारी ये यमी सी चटनी बनके तैयार है अभी थोड़ी वाटरी लग रही है ठंडी हो जाने के बाद ये देखिए कितनी थिक और कितनी अच्छी हो जाएगी ये चटनी आप स्टोर कीजिए देखिए मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाती हूँ तो मुझे ये नहीं पता है कि कितने महीने तक चलेगी मैं हमेशा थोड़ी थोड़ी बनाती हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें आप बनाओ कुछ दिन खाओ उसके बाद खाने से मन हट जाता है तो आ, फिर वो ज़्यादा बना लो तो ख़राब होती है तो इसी मैं बहुत कम क्वान्टिटी में बनाती हूँ एक हफ्ता सात आठ दिन से ज़्यादा मैंने कभी रखी नहीं है तो मुझे उतना आइडिया नहीं है कि कितने दिन चलेगी बट हाँ सात आठ दिन आप आराम से खा सकते हो फ्रिज में रख कर के तो ये हमारी यमीश अंगूर की चटनी बनके बिल्कुल तैयार है और अब चलिए हम तड़का लगा देते हैं दाल को क्योंकि दाल भी हो चुकी है कढ़ाई के अंदर मैंने थोड़ा लिया सरसों का तेल इसके अंदर दो इलायची डाल रही हूँ मैं एक बड़ी इलायची डालूँगी चार से पाँच आपको इसमें लौंग का इस्तेमाल करना है चने की दाल और लौंग का जो फ्लेवर होता है आपस में उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है तो जब भी चने की दाल बनाएँ तो लौंग ज़रूर ज़रूर उसमें इस्तेमाल करें उसके बाद हमने इसमें दो छोटे साइज़ के तेज पत्ता दो लाल मिर्च और जीरा ऐड किया है एक छोटा चम्मच साथ ही हम इसमें हींग भी डालेंगे इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन एकदम बारीक बारीक कटा हुआ जब भी आप दाल तड़का बनाते हैं चाहे वो चने की दाल हो अरहर की हो उड़द की हो फर्क़ नहीं पड़ता है कोई भी दाल हो हमेशा इस तरीके से एकदम ब्राउन भुना हुआ लहसुन उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आता है तो मैं हमेशा लहसुन को भी बहुत अच्छा ब्राउन होने देती हूँ उसके बाद जो प्याज है उसको भी ऐसा नहीं कि पिंक की का सा गोल्डन हो जाए उतना मैं रखूँगी इसको भी अच्छा डार्क कलर ब्राउन कलर देकर ही मैं उसके ऊपर से टमाटर डालूंगी तो हमेशा थोड़ा सा लहसुन और प्याज को थोड़ा ज़्यादा करके पकाएं जब भी आप किसी तरीके की दाल बनाते हैं आप नोटिस करेंगे कि उसके अंदर जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा इन्हेंस हो जाता है दाल का और आ, कोशिश कीजिए कि ये जो आप टमाटर डालते हैं टमाटर के बाद ना आप ढक्कन मत लगाइए इसको ढक कर के पकाने की ज़रूरत नहीं है इसको भूनने की ही ज़रूरत है तो इसीलिए मैंने इनको ढका नहीं है टमाटर डालने के बाद में टमाटर डाला था थोड़ा सा नमक डाला था और इसी तरीके से मैं भून भून के इसको पका रही हूँ यहाँ पर आपको टमाटर गलाने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं है हल्का सा बस वो मैश होने लगे फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे क्योंकि देखिए तेल सारा सेपरेट हो ही रखा है तो हल्का सा हल्दी पाउडर डाला है हमने उसके बाद हमने इसके अंदर एक छोटा चम्मच धनिया का पाउडर डाला है थोड़ा सा ये मैंने बिरयानी मसाला डाला है इसके अंदर तो आप गरम मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन बिरयानी मसाला डालोगे थोड़ा सा अलग फ्लेवर आता है दाल का तो जो होममेड मेड बिरानी मसाला मैं बनाती हूँ वही मैंने डाला है इसको आप थोड़ा सा भून लीजिए जिससे कि ये सारे मसाले भून जाएँ और बस उसके बाद दाल ऐड कर दीजिए थोड़ा बहुत जो टमाटर में कसर बची होगी वो दाल जब हम इसके साथ मिला के उबालेंगे तो वो भी पक जाने वाले हैं और दाल को तड़का लगाने के बाद उबालिए ज़रूर ये कुछ छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो दाल तड़का बनाते समय अगर आप यूज़ करेंगे तो एकदम परफेक्ट और बहुत अच्छे स्वाद वाली दाल आपको मिलेगी ढेर सारा हरा धनिया डालना बिल्कुल मत भूलिएगा बहुत अच्छा लगता है दाल तड़का में हरा धनिया का फ्लेवर और एक फाइनल वाला अब हम ऊपर से तड़का लगा रहे हैं जो कि देसी घी का लगेगा देसी घी हींग और जीरा का और साथ में थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे अच्छे से कलर के लिए तो जीरा मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा हींग डालेंगे थोड़ा खुलके हींग यहाँ पर डालिएगा क्योंकि जो तड़के में हम घी के साथ हींग का जब छौंका देते हैं ना तो उसका बहुत बढ़िया स्मोकी सा एक फ्लेवर जो है वो दाल में ऐड होता है साथ ही एकदम तड़का देने से पहले मैंने इसके अंदर थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली भी ऐड कर दिया और उसको इस तरीके से तड़का दिया कितनी अच्छी दाल हमारी देखने में लग रही है और खाने में भी ये बहुत स्वाद बनी थी इसके बाद है हमारी सब्ज़ी जो कि बहुत डिफरेंट स्टाइल में मैं बनाने वाली हूं तो चटनी बना ली हमने दाल बना ली अब बारी आती है सब्जी की तो जब भी हम विंटर्स में कोई भी थाली प्रिपेयर करते हैं तो गोभी उसका हिस्सा ज़रूर रहती है किसी भी फॉर्म में चाहे उसकी भुजिया बनाएं या सब्ज़ी बनाएं लेकिन आज मैं वो सिंपल वाली रेगुलर वाली आलू की सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ बहुत ही अलग फ्लेवर वाली बहुत डिफरेंट सी दिखती भी है और खाने में भी उतनी ही अलग लगती है बना तो रहे हम आलू गोभी लेकिन हम थोड़ा अलग अंदाज से बनाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया था जिसके अंदर गोभी मैंने डाल लिया है अच्छे से धुली हुई गोभी है ये अच्छे से डार्क कलर जब तक नहीं हो जाता तब तक हम इनको भून लेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसी दिख रही है गोभी इसके बाद हम इस तरीके से इसमें आलू भी फ्राई करेंगे अब यहाँ पे ये वाले जो आलू हैं ना ये स्पेशल मैंने इस रेसिपी के लिए मंगाए हैं ये लाल आलू हैं मिल जाते हैं आसानी से नहीं तो फिर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना जिन पर ग्रॉसरीज एंड वेजिटेबल्स मिलती हैं वहाँ पर तो ये आराम से ही मिल जाते हैं मैंने भी ऑनलाइन ही इनको मंगाया है तो ये लाल आलू हैं इनका थोड़ा फ्लेवर टेस्चर सब कुछ अलग होता है और ये भी मेक श्योर करिएगा कि इनको छिलके के साथ ही पकाइएगा अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि छिलके के साथ बनी हुई सब्ज़ी का फ्लेवर थोड़ा हटके आता है और बहुत अच्छा लगता है तो इसको मैंने थोड़ा मोटे मोटे टुकड़ों में कट किया है छिलका बिल्कुल नहीं हटाया है और इनको भी मैंने खूब बढ़िया से एकदम देखिए एकदम लाल लाल ये फ्राई हो गए हैं तब तक फ्राई किया है इसको भी हमने हटा लिया है उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा पनीर पड़ा हुआ था तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है, तो उसको भी भून करके तब मैं इस्तेमाल करूँगी ये ऑप्शनल है चाहो तो ऐड करो चाहो तो नहीं ऐड करो लेकिन जो मैं ये ग्रेवी बनाने वाली हूँ ना इसकी जो बेस ग्रेवी रहेगी उसके साथ में पनीर का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसलिए रखा हुआ था आधा टुकड़ा था पनीर का तो मैंने कहा वो भी फ्राई करके ऐड कर देते हैं तो कंप्लीटली आपकी चॉइस है डालना या ना डालना आलू प्याज़ तो हमने फ्राई करके रख लिए हैं चलिए अब मसाला बना लेते हैं तो यहाँ पे एक टेबल स्पून मैंने हरा धनिया लिया है बहुत ज़्यादा आपको हरा धनिया नहीं चाहिए जस्ट इसका फ़्लेवर आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी जो ग्रेवी है वो फ्लेवरफुल भी हो जाएगी तो बस हमें बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे हरा धनिया चाहिए साथ ही बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के मैंने यहाँ पे प्याज़ लिए थे जो इसमें ऐड किए हैं प्याज़ भी बहुत ज़्यादा हमें नहीं चाहिए तो दो छोटे छोटे प्याज लिए हैं ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है तो दो छोटे चम्मच भर करके या फिर एक बड़ा चम्मच भर करके आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें ऐड कर दीजिएगा यहाँ पर दस से बारह मैंने काली मिर्च के दाने हैं वो ऐड कर दिए इसके अंदर यहाँ पे मैंने लिया है धनिया और खड़ा धनिया आपको यूज़ करना है पाउडर यूज़ मत कीजिएगा इसका जो खुशबू होता है ना फ्रेशली इस तरीके से मसाले में पीसा हुआ धनिया का वो अलग ही आता है तो एक चम्मच मैंने धनिया लिया था छोटा चम्मच फिर मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है तो एक बड़ा चम्मच आप धनिया ले सकते हैं मैंने एक छोटा चम्मच जीरा डाला है उसके बाद यहाँ पे जो थोड़ा सा आपने देखा ये मैंने सॉफ्ट डाला है साथ ही मैंने हींग डाला है इसके अंदर साथ ही वो मसाले जो हमें पाउडर यूज़ करने हैं जैसे कि लाल मिर्च का पाउडर यूज़ करना है और हल्दी का पाउडर यूज़ करना है वो हम लगे हाथ इसी के अंदर ऐड कर देंगे तो थोड़ा थोड़ा वो ऐड किया है साथ ही मैंने गर्म मसाला भी इसके अंदर आधा छोटा चम्मच ऐड कर लिया है इसके अंदर पानी डालेंगे और इसका अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दरदरा पेस्ट है अभी क्योंकि अभी हमें इसके अंदर कुछ और डाल करके इसको दोबारा से पीसना है तो यहाँ पे मैंने एक कप दही लिया है और इसके साथ हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एकदम स्मूद बढ़िया सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे दूसरी तरफ हमने चढ़ाई है कढ़ाई इसमें डाला है सरसों का तेल और फिर इसमें खड़े मसाले जाएंगे जैसे बड़ी इलायची जाएगी थोड़ा सा जीरा आ जाएगा साथ ही तेज पत्ता एड करेंगे हम बस और ज़्यादा इसमें कुछ लौंग इलायची ऐसा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है और उसके बाद हम इसके अंदर ये देखिए कितना स्मूथ पिसा हुआ है यहाँ पे ये पेस्ट तैयार हुआ है दही के साथ में ये डाल देंगे क्योंकि इसके अंदर दही है तो लगातार इसको चलाते रहिए जब तक इसमें अच्छा बॉयल ना आ जाए बॉयल आने के बाद आप धीमी आँच पे इसको छोड़ सकते हैं और अपने बाकी के काम निपटा सकते हैं जैसे कि मैं भी कर रही थी यहाँ पे देखिए मसाला अच्छा थिक हो चुका है बढ़िया तरीके से भून चुका है पक चुका है तो अभी ये टाइम है कि इसके अंदर हम आलू और गोभी जो हमने फ्राई करके रखा था वो ऐड कर दें क्योंकि ये मसाले के साथ अभी हमें ये पकाना है इस रेसिपी के अंदर टमाटर का इस्तेमाल नहीं होता है तो वो मत कीजिएगा इसको इसी तरीके से आपको बनाना है इसका रूप रंग ही देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है जो हम नॉर्मल सब्ज़ी बनाते हैं उससे अभी हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे क्योंकि हमें गोभी आलू को अच्छे से पकाना है साथ ही ऐड कर दीजिएगा नमक और इसको ढक करके आप छोड़ दीजिए सात से आठ मिनट इसको आपको पकाना है और बस गोभी आलू जो है तैयार हो जाएंगे फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे जो भी हमें करना है कितनी अमेजिंग ग्रेवी लग रही है इसकी देखिए अच्छे से पक चुकी है कितना बढ़िया तेल साइड में आ रहा है यहाँ पे आलू जो है वो पक चुके हैं बट हमें थोड़ा सा इसका ये जो ग्रेवी है ना इसको रिड्यूस करना है हमें इतना नहीं चाहिए हल्का सा लटपटापन इसमें चाहिए बस तो इसीलिए हम थोड़ा सा और इसको पकाएंगे साथ ही ऐड कर देंगे पनीर क्योंकि अभी दो मिनट हम इसको और पकाने वाले हैं तब तक पनीर भी ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा और फ्लेवर उसका सोक कर लेगा और बस ये हमारी सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार है इसको कर देते हैं सर्व सुपर डिलीशियस सुपर यमी बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल वाली ये सब्ज़ी बनके तैयार हुई थी पहले तो मैंने सोचा था कि मैं रोटी बनाऊंगी थाली में लेकिन ये सब्जी के साथ बिलीव मी पूड़ी इतनी अच्छी लगती है खाने में कि मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैंने रोटी का प्रोग्राम ड्रॉप करके मैंने सोचा आज तो पूड़ी ही बनाएंगे चाहे दो दो ही खाएँ लेकिन खाएँगे इसके साथ पूड़ी ही इसमें ग्रेवी के अंदर धनिया नहीं जाता है ठीक है कि मतलब जैसे हम हर सब्ज़ी के ऊपर धनिया डाल करके मिला देते हैं ना वो मत कीजिएगा इसका फ्लेवर ऐसे ही अच्छा लगता है इसमें धनिया हरा धनिया नहीं डालना है आपको ये ऊपर से जस्ट मैंने आपको सजाने के लिए दिखा दिया है इसका कोई ज़्यादा फ्लेवर इसमें ऐड नहीं होगा ये सब्ज़ी बिना टमाटर बिना धनिया के ही ऐसे अच्छी लगती है जो हमने बेस में इसकी ग्रेवी के अंदर धनिया डाला है ना उतना ही काफ़ी है बस उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ रेसिपी पे हाँ फोर्थ तीन मैं शेयर कर चुकी हूँ अगर दाल की मिला लें तो, तो चलिए बनाते हैं कच्चा केला फ्राई तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दो कच्चे केले लिए हैं जिनको इस तरीके से ऊपर का जो रेशे वाला छिलका होता है वही मैं हटा रही हूँ और उसके बाद इनको लंबा लंबा करके हमें कट करना है आप अभी वीडियो में देखेंगे किस तरीके से तो इस तरीके से लम्बा सा इसको स्लाइस कीजिए फिर इसको दो टुकड़ों में कर दीजिए और इनको डायरेक्ट पानी में डालते जाएँगे ताकि ये बहुत ज़्यादा काले ना पड़ें बनाना फ्राई के लिए हमें एक मसाला बना के तैयार करना है तो हमने यहाँ पे हल्दी का पाउडर लिया है लाल मिर्च का पाउडर लिया है धनिया का पाउडर लिया है जीरा का पाउडर लिया है थोड़ा सा गरम मसाला उसके अंदर ऐड किया है और थोड़ा सा लाल मिर्च मैंने और मिला लिया कम लग रहा था मुझे तो सारे मसाले थोड़े थोड़े मैंने और डाल लिए क्योंकि आ, ऐसे तो देखने में दो केले हैं लेकिन जब आ, आप उनको फ्राई करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हैं वो इसके बाद मैंने नमक डाला है उसके अंदर ये अमचूर का पाउडर है जो मैंने ऐड किया है हल्की खटास के लिए सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद जो केले हैं ना उसके ऊपर जैसे हम वो बनाते हैं ना आ, बैंगन का भाजा बनाते हैं तो उसमें ज़्यादातर हल्दी नमक लाल मिर्च हम डालते हैं लेकिन इसके अंदर हमें ये सारे मसाले डाल लें क्योंकि जो बनाना का फ्लेवर होता है काफ़ी एकदम मतलब प्लेन जैसा होता है तो उसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए हमें थोड़े से मसाले डालेंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो इस तरीके से दोनों साइड आपको बनाना के स्प्रिंकल कर देना है ये पाउडर मैं इसको तवे पे बना रही हूँ तो आप चाहे तो पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो फ्लैट सरफेस वाला होता है बैंगन भाजा वगैरह हम इसी तरीके से बनाते हैं ना आ, तवे के ऊपर इसीलिए मैं बना रही हूँ और यहाँ पे मैंने सूजी लिया है सूजी की जगह आप बेसन ले सकते हैं चावल का आटा ले सकते हैं मैदा भी चाहे तो ले सकते हैं या चाहे तो ब्रेड क्रम्स वग़ैरह हैं आपके घर में तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इससे क्या होता है जो मसाले होते हैं ना वो ज़्यादा इधर उधर नहीं होते हैं और हल्का सा ये आ, क्रंची क्रंची सा भी आपका बन तैयार होता है तो बहुत थोड़े से ही तेल में मैं ये सारे इस तरीके से रख करके फ्राई करने वाली हूँ तो इनको ढक करके हमें पकाना है ताकि स्टीम से ये थोड़ा पक भी जाए और और दोनों तरफ से हम बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे उलट पलट करते रहेंगे ढकने से ये अंदर से से अंदर जल्दी पक भी भी जाएंगे और दोनों तरफ से क्रस्ट भी काफी अच्छा आएगा। चलिए पूड़ी का आटा लगा लेते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा नमक और आज मोयन वाली पूड़ी मैं बना रही हूँ तो थोड़ा सा मोयन मैंने इसके अंदर ऐड किया और बस नॉर्मल जैसे हम पूड़ी का आटा गूथ करके तैयार करते हैं वैसे ही कर लेंगे पूड़ी बनाने से पहले ही मैं राइस भी बना चुकी हूँ सिंपल प्लेन राइस बनाया है और साथ ही एकदम सिंपल वाली जो सेवैयाँ होती हैं वो भी मैंने बना ली हैं साइड बाई साइड तो लगभग हर चीज़ तैयार है चावल भी पक चुके हैं सेवैयाँ भी हमारी मीठे के तौर पे तैयार हो चुकी हैं खाली रायता बचा है, तो थोड़ा सा उबलते हुए पानी में मैंने ये बूंदी भिगो दी है ये बूंदी जो है ये फ्लेवर वाली है, इसके अंदर काफ़ी सारे फ्लेवर्स हैं जो मेन फ्लेवर है वो मिंट का है साथ ही इसमें मैंने अच्छे से फेट करके दही ऐड कर दिया है इसके अंदर काला नमक ऐड कर दिया और साथ ही में जो धनिया जीरा मैंने पीस करके रखा है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी इसके अंदर हम एक महीन महीन कटा हुआ कच्चा प्याज और हरे धनिया के पत्ते ऐड करेंगे ये रायता बहुत यमी लगता है प्याज और हरे धनिया का जो फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दीजिए और ये हमारा रायता भी बन तैयार है सारी चीज़ें बन तैयार हैं तो चलिए थाली सजा देते हैं तो कितनी सारी चीज़ें हैं सिंपल खाना लेकिन बहुत यमी डिलीशियस ये थाली बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा बहुत अच्छी लगी थी सारी चीज़ें एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रही थी और ये अंगूर की चटनी की तो बहुत ही तारीफ़ हुई है आगे आप थोड़ा सुनेंगे भी और ऑफ़ कैमरा भी हस्बैंड ने बहुत तारीफ़ की ये तो उनको बहुत ज़्यादा ही कुछ पसंद आ गई है तो इसको ट्राई ज़रूर करना आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो तो ये है हमारी आज की थाली सेवैयाँ अंगूर की चटनी रायता दाल सब्जी पूड़ी चावल आ, कच्चे केले का फ्राई पापड़ सैलड रखना चाहते हैं तो वो भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं अंगूर की चटनी लाइफ में फर्स्ट टाइम खाया बेटा अरे एक बार मम्मी ने बनाई है ना मैंने तो कभी तो नहीं खाई सुपर हिट हम अंगूर की चटनी सबसे सब जबरदस्त सही में क्योंकि तो हाँ। अभी तक बस अंगूर की चटनी ही टेस्ट थी नहीं नहीं मैं तो फर्स्ट टाइम खाया अंगूर की चटनी पहले कभी कहां बनाया कह रहा बनाया है बनाया मैं अंगूर की सब्जी बनाई थी बेटा अच्छा 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 वो चटनी इतनी बढ़िया बनी तो यही थी आज की वीडियो होपफुली आपको आज की वीडियो और सारी रेसिपीज बहुत बहुत पसंद आई होंगी अगर पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए थैंक्स फॉर वाचिंग टेक केयर बाय बाय